गुड मॉर्निंग बीएड सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास स्वयं की अवधारणा में आपका स्वागत है। आज हम स्वयं की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे संप्रेषण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारणों के बारे में। जैसा कि इसके आगे वाले वीडियो के अंतर्गत हमने संप्रेषण के प्रकारों के संबंध में पढ़ा था, आज हम संप्रेषण को किस प्रकार से सामाजिक कारणों को प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो संप्रेषण क्या है, सामाजिक वस्तु है। संप्रेषण क्या है? सामाजिक वस्तु है। इसका प्रयोग हम निम्न क्षेत्र में कर सकते हैं। इस वस्तु का प्रयोग हम निम्न क्षेत्र में करते हैं, चाहे वह और हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग व्यक्ति निरपेक्ष में नहीं होता है। अतः इसका उपयोग प्राय निम्नलिखित रूप से तीन स्तर पर किया जाता है। किन स्तरों पर किया जाता है? निम्नलिखित रूप से तीन स्तरों पर किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला तो व्यक्ति संप्रेषण का उपयोग स्वयं पर करता है। किसके अंतर्गत करता है? स्वयं पर करता है। फिर एक दूसरे हेतु, फिर व्यक्ति क्या पारस्परिक रूप से एक दूसरे के साथ में संप्रेषण करके इसका उपयोग वो कर सकते हैं। फिर तीसरा इसका उपयोग होगा व्यक्ति व समाज के मध्य में होगा। तीसरा इसका उपयोग कैसे होगा? व्यक्ति व समाज के मध्य होगा। इस प्रकार से संप्रेषण का उपयोग है वो सामाजिक दृष्टि से कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। जैसे एक पुजारी है, एक तपस्वी है, वो अपना संप्रेषण करता है, वो उसका संप्रेषण है वो कैसा होता है? अपनी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत होता है, जबकि परस्पर व्यक्ति द्वारा जो सहयोग किया जाता है, पारस्परिक संप्रेषण किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के राजनेताओं द्वारा वो संप्रेषण कैसा होता है? पारस्परिक सहयोग की भावना पर आधारित होकर एक दूसरे व्यक्ति के मध्य होता है। इसी प्रकार व्यक्ति व समाज के बीच में जो संप्रेषण होता है वो व्यक्तिगत व सामाजिक संप्रेषण कहलाता है। इस प्रकार से संप्रेषण को प्रभावित करने वाले निम्न कारण है वो इस प्रकार से है। पहला चिंतन क्या है? चिंतन वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, उसके संपर्क में उसके संबंध में हम विचार कर सकते हैं। अतः ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाएं है, जैसे राजनीति विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला शिक्षा है, अर्थशास्त्र है, इन आदि शाखाओं का विकास है वो किसके आधार पर होता है? चिंतन के आधार पर होता है। और चिंतन के द्वारा व्यक्ति समाज उस चिंतन को संप्रेषण के माध्यम से प्राप्त होता है। व्यक्ति और समाज चिंतन को कैसे प्राप्त करते हैं? संप्रेषण के द्वारा ही चिंतन को प्राप्त किया जा सकता है। तो सामाजिक कारक के रूप में चिंतन भी उसको संप्रेषण को प्रभावित करता है। फिर आस्वादन, आस्वादन का मतलब होता है किसी के अंतर्गत रमणीय शक्ति का उपयोग करना, यानी हम किसी भी साहित्य है, कोई भी इतिहास है, उसको जानने के लिए आस्वादन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संप्रेषण की आवश्यकता होती है। और संप्रेषण के द्वारा ही हम आस्वादन करते हैं, तो जो रचना होती है या इतिहास होता है वो कैसा बनता है, उसकी भाषा कैसे होती है? रमणीय भाषा हो जाती है। उसमें इसके रचनात्मक भाषा कैसे होती है? रमणीय होती है। इस प्रकार से हम रमणीय भाषा होने के कारण वो इतिहास और साहित्य वो लोगों में प्रसिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आस्वादन भी संप्रेषण को प्रभावित करने में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सूचना का तात्पर्य है सूचना संप्रेषण का एक मुख्य माध्यम है, क्योंकि सूचना के माध्यम से ही संप्रेषण होता है। या सूचना के द्वारा संप्रेषण दो प्रकार का होता है, या तो हम किसी भी सूचना को प्राप्त करते हैं या हम किसी भी सूचना को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो एक विशिष्ट प्रकार का संप्रेषण है वो होता है सूचना के माध्यम से। फिर प्रेरणा, संप्रेषण को प्रभावित करने के अंतर्गत प्रेरणा का भी एक मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो प्रेरणा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के अंतर्गत अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जिसके माध्यम से वह प्रेरणा के द्वारा किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि प्रेरणा को संप्रेषण का क्या रूप कहा गया है? गत्यात्मक रूप कहा गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेरित होकर किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से यह संप्रेषण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारणों के संबंध में वीडियो था, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि संप्रेषण क्या है, मूल रूप से सामाजिक वस्तु है,
और ये व्यक्ति प्रेरित नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से तीन स्तर पर किया जाता है। एक तो व्यक्ति के लिए स्वयं व्यक्ति खुद के लिए करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में करता है, और तीसरा व्यक्ति वो समाज के बीच में संतुष्ट होता है। इसी प्रकार से इसको प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कितने कारक थे? क्या चिंतन है, आस्वादन है, सूचना है, प्रेरणा है। चिंतन क्या है? व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति के द्वारा संप्रेषण को विकसित करना। आस्वादन का मतलब होता है किसी भी संप्रेषण के माध्यम से साहित्य व इतिहास को रमणीय बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए या एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसको भेजता है। और उसके बाद में प्रेरणा, प्रेरणा है वो क्या है? एक गत्यात्मक प्रतिरोधक संप्रेषण का रूप इसको कहा जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करते हुए अपने आप को काफ़ी महत्वपूर्ण समझता है और वगैरह महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और समाज को विकास में बाधक नहीं होते, ऐसे कार्य वो कर सकता है। सर हम कह सकते हैं कि सामाजिक संप्रेषण को निम्नलिखित कारकों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।